आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस मुस्लिम व्यक्ति के बाजार पर आकर रुक जाती है। कहा जाता है कि इस व्यक्ति का नाम साल्वे, जो कि अकबर की सेना में भर्ती था, लेकिन एक युद्ध के दौरान उसके सर पर चोट लग जाती है। घाव काफी बड़ा और गहरा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहने लगा। तब उसकी माँ के कहने पर भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। एक दिन साल्वे के सपने में भगवान जी आते हैं और उसे घाव पर लगाने के लिए भभूत देते हैं। जब साल्वे की नींद खुलती, तब वह देखता है कि जो उसके सर पर घाव था वो सच में ठीक हो गया है। भावों से भरा हुआ साल्वे तुरंत जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ उनके दर्शनों के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसे में वह मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की भक्ति करने लगता है। भगवान की भक्ति करते करते साल्वे की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले साल्वे कहता है कि यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। तब से हर वर्ष जगन्नाथ जी का एक रथ साल्वे की मजार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। दोस्तों, आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।